पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आदिवासी युवा महापंचायत सम्मेलन में शामिल हुए थे। साथ ही इस सम्मेलन में दिग्विजय नेताओं के साथ जेएनयू के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार भी शामिल हुए थे। अब इस सम्मेलन में कन्हैया कुमार के शामिल होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निशाना साधा है। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने मध्य प्रदेश की पावन भूमि जो चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों की भूमि है, वहां पर ऐसे देशद्रोही को लाया जो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगा रहा था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कल इंदौर के मंच पर ऐसा संयोग हुआ जो शायद ही पहले कभी मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ हो। मंच पर एक ओर मिस्टर बंटाधार थे, दूसरी ओर मिस्टर करप्शन नाथ थे और उनके बगल में बैठे थे टुकड़े टुकड़े गैंग के मुखिया कन्हैया कुमार, जिन्होंने भारत को तोड़ने का षड्यंत्र जेएनयू कैंपस के अंदर रचा था। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस लगता है देशद्रोहियों के बलबूते पर ही चल रही है, तभी तो भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार जैसे नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह और सेना की इंफॉर्मेशन विदेश में पहुंचाने वाले कमलनाथ उनके नेता हैं। कल एक मंच पर ऐसा संयोग था कि एक ओर मिस्टर भंटाढार थे, दूसरी ओर मिस्टर करप्शन नाथ थे, तो उनके बगल में बैठे थे जिन्होंने भारत माता के टुकड़े टुकड़े गैंग के मुखिया जो इस भारत को तोड़ने का षड्यंत्र जेएनयू के कैंपस के अंदर बैठ करके करते रहे, जिनको भारत माता के नारे से पीड़ा होती है, वंदे मातरम से तो बुखार आ जाता है, और भारत माता के टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य मुखिया कन्हैया कुमार उस मंच पर, ये देशद्रोही कन्हैया कुमार, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता को आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं, ये वही गैंग है कि कमलनाथ भी देश से घात करते हैं, हमारी सेना की इंफॉर्मेशन से लेकर के उनको विदेशियों तक पहुंचाने का काम कमलनाथ करते हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि देशद्रोही कन्हैया कुमार को मैं बताना चाहता हूं, ये मध्य प्रदेश चंद्रशेखर आजाद का मध्य प्रदेश है, ये शंकर शाह रघुनाथ शाह का मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश टंट्या मामा का मध्य प्रदेश है, ये क्रांतिकारियों की भूमि है जहां पर लोगों ने भारत माता की जय के लिए और वंदे मातरम के नारे के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, ऐसे देशद्रोहियों को मध्य प्रदेश की भूमि पर, जिस भूमि पर लोगों ने बलिदान दिया, उस भूमि पर कन्हैया कुमार को लाया। वीडी शर्मा ने कहा कि मिस्टर करप्शन नाथ और मिस्टर बंटाधार, आपको शर्म आनी चाहिए, क्या आप आदिवासियों का अपमान करने के लिए कन्हैया कुमार को लेकर आए थे और कैसे आपने इस देशद्रोही के साथ मंच साझा कर लिया? भाजपा की सरकार, भाजपा का नेतृत्व, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर ऐसे देशद्रोहियों को जवाब देने के लिए सजग प्रहरी के तौर पर बूथ बूथ पर खड़ा है। मिस्टर कन्हैया कुमार, देशद्रोही कन्हैया कुमार, बताना चाहता हूं मैं मध्य प्रदेश के अंदर, ये मध्य प्रदेश चंद्रशेखर आजाद का मध्य प्रदेश है, ये चंद्रशेखर शंकर सार रघुनाथ शाह का मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश टंट्या मामा का मध्य प्रदेश है, ये वीरों की क्रांतिकारियों की भूमि है जहां पर लोगों ने भारत माता की जय के लिए और वंदे मातरम के लिए अपने जीवन को बलिदान दे दिया था। क्रांतिकारियों के नेता भारत माता के लिए इस देश को आजादी दिलाने के लिए चंद्रशेखर राम प्रसाद बिस्मिल का प्रदेश है, ये भूमि है, तुम्हारे जैसे देशद्रोही मध्य प्रदेश का एक एक नौजवान जानता है, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए ऐसे देशद्रोहियों को इस भारत माता की भूमि पर, इस भूमि पर लोगों ने बलिदान भारत माता की जय के लिए लगाया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।